आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जिसकी हेल्प से आप अपनी पेन ड्राइव के डिलीटेड डेटा को भी रिकवर कर सकते हैं, फिर चाहे वो वीडियो हो, इमेजेस हो, या फिर कोई MP3 सॉन्ग या कोई डॉक्यूमेंट ही क्यों ना हो। तो ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट को आप इजीली रिकवर कर सकते हैं। अगर परमानेंट वो डिलीट हो गया है, आराम से आप कर सकते हैं, हार्ड डिस्क से कर सकते हैं, SSD से कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया ये सॉफ्टवेयर टूल होने वाला है जिसकी हेल्प से आप इजीली अपने डिलीटेड डेटा को इजीली आप रिकवर कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल में आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ, किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, कि कौन सी सेटिंग होगी जिसका यूज़ करके आप सारा डेटा अपना रिकवर कर सकते हैं। इसमें एक बेनिफिट आपको ये भी मिलेगा कि अगर आपका इससे पहले भी कोई और डिलीटेड डेटा आपका जा चुका है तो वो भी ये रिकवर करके आपको देगा। दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक EMC यूट्यूब चैनल, जिसमें हम पेंट, PC बिल्ड, डेटा रिकवरी और कंप्यूटर से रिलेटेड बातें हम करते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरीके से वर्क करता है। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर मैं पहले आपको चेक कराता हूँ। मेरे पास यहाँ पर एक पेन ड्राइव है जिसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पहले एक फाइल दिखाता हूँ, ये होने वाली एक फाइल जो कि होने वाली है 5 बेस्ट लैपटॉप्स के अंदर, ये JPG फाइल होगी। इसे मैं पहले डिलीट करूँगा, देन फिर से आपको रिकवर करके बताऊँगा किस तरीके से रिकवर होगी। तो इस सॉफ्टवेयर से आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप जो आपका ये फाइल डिलीट होती है ये तो रिकवर हो गई, प्लस अगर इसके अलावा भी आपने कोई और पुराना डेटा कभी डिलीट हुआ है आपका, वो भी आपको यहाँ पर शो कर देगा। तो आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस आ जाएंगे, आप चाहे तो इनमें से किसी को भी रिकवर कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। कैसे करना है, कैसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो दोस्तों, पहले तो इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना होगा टेलीग्राम पेज पर। तो यहाँ पर हमारा टेलीग्राम का एक ग्रुप है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा, आस्किंग मोर कंप्यूटर के नाम पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये करना है सॉफ्टवेयर डाउनलोड। यहाँ पर आपको मिल जाएगा डेटा बैक, ये प्रो वर्जन का होगा, तो आप यहाँ से आराम से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद जब आपके पास ये सॉफ्टवेयर आ जाएगा तो आपको ये एक्सट्रैक्ट कर लेना है। कुछ इस तरीके से हमें देखने के लिए मिलेगा, आपको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट रन कर लेना है। अब यहाँ पर इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पर हमें सेटअप का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर हम यस कर देंगे। यस करने के बाद यहाँ पर हमें ऑप्शन आ जाएगा नेक्स्ट करने के लिए, नेक्स्ट करके यस आई एग्री पर क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करके आप सिंपली बस इसे इंस्टॉलेशन के लिए प्रोसेस कर देना। जैसे इंस्टॉलेशन कम्प्लीट होगी, फिनिश करके रजिस्टर्ड यहाँ पर ऑप्शन आएगा, तो इन दोनों पर क्लिक करके आपको यस कर देना है और यस यस करके ओके कर देना है। इससे क्या होगा कि जो एंट्रीज हैं वो वहाँ पर रजिस्ट्री में यहाँ पर जाके एंट्री हो जाएगी, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसे यूज़ करने में। तो अब चलो चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास देखो फैट का लगा गया है, NTFS का लगा गया है। अभी हम जो काम करने वाले हैं तो फैट के लिए हम यहाँ जो यूज़ करने वाले हैं वो फैट वाला हमारे पास वर्जन होगा। तो गाइज, यहाँ पर हमने अपनी पेन ड्राइव निकाल दिया है, यानी कि मैंने एक SD कार्ड लगा लिया है। पहले मैं SD कार्ड आपको दिखाता हूँ कितने MB का SD कार्ड है। तो यहाँ पर 118 MB का SD कार्ड मैंने लगाया हुआ है टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, ताकि जल्द से जल्दी प्रोसेस हो जाए। तो ओपन करके मैं दिखाता हूँ, अभी इसमें कोई भी डेटा नहीं है, तो मैं यहाँ से एक डेटा इसमें ट्रांसफ़र कर देता हूँ। जैसे कि ये रहा हमारे पास एक इमेजेस हमारे पास है, इसके अलावा हमारे पास और भी कुछ इमेजेस हैं, तो उसे भी हम कर देते हैं ट्रांसफ़र। तो इससे आपको ये कन्फर्म हो जाएगा कि इसमें एक डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है। तो ये दो हमारे पास इमेजेस यहाँ पर है। अब ये इमेजेस हमारे पास इस ड्राइव के अंदर तो आ चुकी है, लेकिन अब हमें इसे डिलीट भी करना है। तो मैं इसे डिलीट करने की बजाय पूरा फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ। आप डिलीट करिए, फॉर्मेट करिए, जो भी आपका केस हो सकता है उसमें ये काम करेगा। तो यहाँ से मैं इसे फॉर्मेट कर रहा हूँ। फॉर्मेट करने के बाद जैसे ही हमारा ये फॉर्मेट कंप्लीट हो जाता है, तो अब हमारी ड्राइव के अंदर एक डेटा गया और वो अब डिलीट भी हो गया। तो अब क्योंकि ये FAT32 वाला है, तो हम यहाँ पर FAT32 वाले पर क्लिक करेंगे और एडमिनिस्ट्रेटर से उसे रन कर देंगे, यस कर देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर प्रोसेस सिंपल होगा, डिलीट हुआ है, फॉर्मेट हुआ है, क्या हुआ है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपने फॉर्मेट हुआ था, क्या हुआ था, जैसे आपके पास कोई पेन ड्राइव आ जाती है, कोई हार्ड ड्राइव आ जाती है, अब आपको नहीं पता वो डिलीट किया गया था डेटा या फिर फॉर्मेट हुआ है, तो उसमें उस केस में आप आई डोंट नो पे आप क्लिक कर देंगे। अदरवाइज जैसे अभी हमें पता है यहाँ पर फॉर्मेट हुआ है, तो फॉर्मेट पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद जितनी भी ड्राइव्स है वो सारी आ जाएंगी। तो हमारा जो ड्राइव है वो 123 MB समथिंग ये था, जो 118 शो कर रहा था वहाँ पर, तो इस पर हम डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आते हैं, सर्च एंटायर ड्राइव, शर्ट पर पार्शल डिवाइस या फाइल सिस्टम किस टाइप का है, FAT16 है, FAT32 है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब जैसे अभी आप यहाँ से देख लो, यहाँ पर हम फॉर्मेट अगर चेक करेंगे FAT32 है, तो यहाँ पर हम FAT32 को सेलेक्ट कर देंगे। ये रहा हमारा FAT32। टेम्पलेट किस टाइप का है, तो कौन सी ड्राइव है, क्या है, वो सारा आप यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। अब ये कुछ टाइम लेगा, डिपेंड करेगा ये कि आपका जो ड्राइव है कितनी बड़ी है, उसी के अकॉर्डिंग है यहाँ से उतना ही टाइम लगाएगा। तो यहाँ पर इसलिए मैंने कम सेलेक्ट वाली ड्राइव हमें सेलेक्ट की है, ताकि थोड़ा जो प्रोसेस हो जल्द से जल्द हो जाए।
तो यहाँ पर क्लस्टर हमारे पास आ चुके हैं, ये जैसे मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा बहुत सारे फोल्डर आ रहे हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो फाइल है वो कैसी है, वो कौन सी होने वाली है? तो इसके लिए हम वन बाय वन सभी फोल्डर्स को चेक करेंगे, या फिर आप इन सभी को रिकवर कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर इस पर जा सकते हैं, ये जो भी आपकी फाइल्स है अगर आपको कहीं पर डाउट है तो आप इस पूरे को रिकवर कर सकते हैं। जैसे इस पर किया आपने और यहाँ पर आप इसे कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी करने से क्या होगा, अब आप इसे कहीं भी कॉपी करिए, कहाँ पर आप सेव करना चाहते हैं वो आप सेव कर सकते हैं, तो वो डेटा वहाँ पर सेव हो जाएगा। फिर आप आराम से चेक करते रहिए, एक तरीका तो ये है। बाकी आप वन बाय वन चेक कर सकते हैं, तो ये तरीका ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप पूरे को कवर कर लें। अब जैसे यहाँ पर आता है तो यहाँ पर पूरे को आप कॉपी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है डेस्कटॉप पर सेव करने का, तो हम डेस्कटॉप पर सेव कर सकते हैं या फिर यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं। ब्राउज करने के बाद यहाँ पर जो भी ऑप्शन आपको देना है वो आप दे दीजिए तो बेटर रहेगा। अब जैसे मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ एक फोल्डर के नाम से, वो होगा हमारे पास यहाँ पर रिकवरी, तो हमने इसका नाम रिकवरी दे दिया है। और अब मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ से, रिकवरी नाम से फोल्डर आ गया है, ओके कर देते हैं। तो सारा का सारा जो डेटा है इस रिकवरी वाले में सेव हो जाएगा। तो ये फैट 32 के नाम से यहाँ पर हमारे पास डेटा आ चुका है। अब देखो सारा आ चुका है। तो ये तरीका है पहले तो आप, या फिर आप वन बाय वन चेक कर लो इसमें से ओपन कर करके। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, आप देखो जरा यहाँ पर जैसे कुछ इमेज आ रही है, हमारा तो इमेज का डेटा था। अब जैसे ये पीचीज है तो इस टाइप से डेटा था। अब यहाँ पर ये वाला रन नहीं हो रहा है, या पूरा जब हम सेव करेंगे तभी रन होगा, वहाँ पर फोल्डर पर चल पाएगा। तो इसी तरीके से आप या तो यहाँ पर रन करके देख लो, या फिर आप पूरा सेव कर लो फिर चला लो। तो अभी हमारा जो डेटा है हम एक एक करके यहाँ पर चेक कर लेते हैं। इसमें भी हमें नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पर ये भी नहीं है। अब ये पहले कभी फाइल रही होंगी तो हमारे काम की नहीं है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर भी कोई MP3 वगैरह की कोई फाइल आई हुई है, कोई MP3 डेमो अल्ट्रा डेमो के नाम से है कुछ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास फाइल आ चुकी है, ये अलग नाम से आई है क्योंकि ये नाम उसको चेंज कर दिया है उसने। तो यहाँ पर देखो हमारा जो डेटा डिलीट हुआ था वो यहाँ पर हमारा रिकवर हो चुका है। तो आपको मैं पहले अपना डेटा दिखाया था, वो डेटा कुछ ऐसा था, ये मेरा डेटा था। अब देखो आपने देख ही लिया होगा, इसका नाम था टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट, और यहाँ पर हमें अलग नाम से, ये नाम चेंज कर देता है जब रिकवरिंग पे जाता है। तो इसमें आपको इसलिए मैंने बोला कि आप पूरा फोल्डर को सेव कर लेना, तो वन बाय वन आपको चेक करना पड़ेगा आपका डेटा क्या था। तो ये था दोस्तों किस तरीके से हम डेटा को रिकवर कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से। सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, मैंने आपको लिंक इसका शेयर कर दिया है, आप जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों आपने सॉफ्टवेयर का यूज़ देखा, आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप डेटा को डिलीट किए हुए डेटा को आप इजीली रिकवर कर सकते हैं, किस तरीके से वर्क करता है, वो सारी आपको कंफर्मेशन हो गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके आप हमसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।